Namaskar, welcome to our channel. In this video lecture, we will be discussing problem number 84 of RDS, RD Sharma, level 2, exercise 6.1, trigonometric identities. Isme diya hua hai, sin theta plus cos theta is equal to x, prove that this is equal to y. To sabse pehle kya karenge, hum sin theta plus cos theta diya hua x, iske square karenge. Sorry. Squaring both sides. हम लोग क्या मिलेगा हमको sin theta plus cos theta का whole square is equal to x square. अब हम अगर left side देखें तो क्या हो जाएगा sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta into cos theta is equal to x square. देखिए इस ये पूरा टर्म 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 sin theta into cos theta is equal to x square minus 1 या sin theta into cos theta is equal to x square minus 1 upon 2. ये हमारा एक रिजल्ट हो गया, इसको हमको आगे यूज करना है. इसको हम इक्वेशन, चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं. अब हमसे ये पूछ रहा है, सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये आइडेंटिटी पता होना चाहिए aq plus bq, a plus b into a square minus ab plus b square. तो देखिए अगर a के जगह पे sin square theta, b के जगह पे cos square theta रखेंगे तो ये sin square plus cos, तो ये वाला टर्म सिंपल सिंपलीफाई हो जाएगा और इसको हम लोग को आगे करना होगा. एक और चीज, a plus b का होल स्क्वायर अपने को पता है, a square plus b square plus 2ab होता है. तो अगर हम a square और b square अगर लिखें तो a plus b का होल स्क्वायर minus 2ab हो सकता है. इस दोनों फॉर्मूला को बेसिकली हमको अभी यूज करना है इस क्वेश्चन में. देखिए sin 6 है, अब हम क्या लिखते हैं sin 6 थीटा plus cos 6 थीटा. इसको अगर हम इसको पार्टीशन कर देते हैं कंफ्यूजन नहीं होगा. अब इसको क्या करते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब plus cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब. अब देखिए aq plus bq के जैसा ये हो गया, aq plus bq का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है sin स्क्वायर थीटा plus cos स्क्वायर थीटा into sin स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी sin 4 थीटा minus ab मतलब sin स्क्वायर थीटा into cos स्क्वायर थीटा plus cos 4 थीटा. अपने को पता है ये वाला टर्म 1 होता है तो हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं sin 4 थीटा plus cos 4 थीटा minus sin स्क्वायर थीटा into cos स्क्वायर थीटा. अब देखिए ये a4 b4 का पता हमको वैल्यू का कोई पता तो नहीं है लेकिन अपने को ये आइडेंटिटी पता है sin स्क्वायर थीटा plus cos स्क्वायर थीटा is equal to 1. अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो इसमें 4 वाला टर्म आएगा. तो ये हम यही इस आइडेंटिटी को गौर से देखिए, अगर हम a के जगह पे sin स्क्वायर थीटा और b के जगह पे अगर cos स्क्वायर थीटा रखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा sin 4 थीटा plus cos 4 थीटा is equal to sin स्क्वायर थीटा plus cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर minus 2 sin स्क्वायर थीटा into cos स्क्वायर थीटा. क्लियरली ये वाला टर्म 1 हो जाएगा. तो अगर हम इसको एक लाइन और लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं sin थीटा sin स्क्वायर थीटा plus cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर minus 2 sin स्क्वायर थीटा into cos स्क्वायर थीटा और minus sin थीटा sin स्क्वायर थीटा into cos स्क्वायर थीटा. अब देखिए ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. अगले पेज में चलते हैं, शायद ये आपको नहीं दिखा होगा तो आप इस टर्म को सिंपलीफाई कीजिए और इस वाले टर्म को एज इट इज लिख दीजिए. अगले पेज पे हम लोग चलते हैं. तो हमारा लास्ट लाइन में क्या था sin स्क्वायर थीटा plus cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर minus 2 sin स्क्वायर थीटा into cos स्क्वायर थीटा minus sin स्क्वायर थीटा into cos स्क्वायर थीटा. देखिए ये वाला ये स्क्वायर है, सॉरी ये वाला टर्म 1 है ऑब्वियसली, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा minus ये दोनों एक जैसा टर्म है तो ये minus 3 sin स्क्वायर थीटा into cos स्क्वायर थीटा. अब हम लोग पीछे चलते हैं, पीछे मतलब जो इक्वेशन हम लोग निकाले थे. देखिए sin थीटा into cos थीटा का वैल्यू x स्क्वायर minus 1 upon 2 है तो हम क्या लिखेंगे is equal to 1 minus 3 और x स्क्वायर minus 1 upon 2 का होल स्क्वायर. क्यों? Since sin from 2 sin थीटा into cos थीटा is equal to x square minus 1 upon 2 है.
अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, इसको रेशनलाइज कीजिए तो 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन 4, जो कि हमारा क्या है, आर एच एस है। इसका मतलब क्या, अब इसे उल्टा के देख लीजिए, यही पूछा है ना, तो हम ऐसे लिख देंगे साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन 4, प्रूफ्ड। यही है, थोड़ा सा आपको आइडेंटिटी का अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि आप आइडेंटिटी को अगर पता है तो ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और अल्जेब्रिक आइडेंटिटी को मिक्स करके ही सारा क्वेश्चन बनाया जाता है, तो अगर आप कोई दोनों टॉपिक पे अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको ऑलमोस्ट आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।